गाइस गुड मॉर्निंग। सो मुझे कुछ 12 कंपनीज एनालाइज करना है, आपको अपडेट देना है। ठीक है, तो 12-13 कंपनीज कल मैंने किया। आप तो एकदम मॉर्निंग सीजन एकदम जोर से चालू हो गया। सो आई हैव ऑल द नेम्स विद मी। तो चलो, आई विल प्रोबब्ली मेक 2 to 3 वीडियोस, प्रोबब्ली आई विल ट्राई टू मेक इट इन 2 वीडियोस, जहां पे आई विल प्रोबब्ली कवर 5-6 कंपनीज करके। और मुझे एक एक वीडियो बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं खींचना है। सो पहले हम चालू करते हैं हैवल्स के साथ। ठीक है, और हैवल्स के साथ हम केईआई और पॉलीकैब का भी थोड़ा बात कर लेंगे। तो अगर आप हैवल्स का नंबर्स देखोगे, उनका सेल्स ओनली ग्रू 7% YoY, मतलब मीडियोकर नंबर है। अब हैवल्स का मेजर 3 डिवीजन होता है। एक एक उनका है कि वो स्विचेस का डिवीजन, दूसरा है कि लाइक आप देखोगे उनका केबल का डिवीजन, और तीसरा है उनका जो इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर डिवीजन है। ठीक है, तो अगर आप ये तीनों डिवीजन देखोगे, आई थिंक ये तीनों डिवीजन मिला के कुछ 70-80% ऑफ देयर, आई थिंक इवन मोर देन 80% ऑफ देयर सेल्स आता है। और ये तीनों डिवीजन ही फ्लैटिश है। ठीक है, तो कुछ ज्यादा खास है नहीं कुछ बोलने के लिए हैवल्स का। सो दूसरा पॉइंट ये, आप देखोगे हैवल्स ने 2018 में लॉयड का जो कंज्यूमर बिजनेस था, लॉयड जो ब्रांड है, तो वो कंज्यूमर बिजनेस खरीदा था, और वो आज भी लॉसेस दिखा रहा है। तो हैवल्स का अगर आप देखोगे, मार्जिन का हमेशा प्रेशर रहता है। उसका एक रीजन है कि लाइक लॉयड का सेल्स तो थोड़ा बहुत बढ़ा है, लेकिन लॉयड का हमेशा वो लॉसेस में ही रखता है। ठीक है, तो हैवल्स का और कुछ है नहीं बोलने का। अब आप देखिए दूसरे एंगल से, कल अब जब केईआई इंडस्ट्रीज का भी जब रिजल्ट देखा, केईआई का भी बात कर लेते हैं, तो उनका टॉप लाइन सेल्स ग्रोथ वाज अराउंड 15% के आसपास। पॉलीकैब का सेल्स ग्रोथ कितना था? 17% के आसपास। इन Q3 का बात कर रहे हो, ओवर लास्ट Q3। तो एक साल पहले जब आप देखते थे, तो ये हैवल्स हो गई, पॉलीकैब और केईआई, इनका सेल्स ग्रोथ का पेस वाज फार हायर देन द नंबर्स दैट दे आर जनरेटिंग टुडे। ठीक है, आज हैवल्स कितना है? 7%, पॉलीकैब 17 और केईआई है 15। एक साल अगर पहले का अगर मैं बात करूं, मतलब द सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर ओवर द प्रीवियस फिस्कल का सेम क्वार्टर, तब ये सब एकदम हाई पेस ऑफ ग्रोथ से ग्रो कर रहा था। आई मीन केईआई वाज ग्रोइंग नॉर्थ ऑफ 20%, पॉलीकैब वाज ग्रोइंग नॉर्थ ऑफ 30%, और हैवल्स का भी 15-16% के आसपास का ग्रोथ हुआ करता था। लेकिन अभी आप देखोगे द पेस ऑफ ग्रोथ हैज कम डाउन इन द केबल एंड वायर सेगमेंट। ठीक है, केबल एंड वायर, इलेक्ट्रिकल, एफएमईजी। ठीक है, तो ये वाला स्पेस अभी गोइंग फॉरवर्ड उतना अट्रैक्टिव है नहीं, बिकॉज आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी का अभी का क्या रिजल्ट हो रहा है। ऑफ कोर्स मैंने कॉनकॉल नहीं पढ़ा, जब मैं कॉनकॉल पढ़ूंगा तो इन सबका अलग से वर्कशॉप बनाऊंगा, राइट, एंड दैट विल हेल्प यू टू ट्रैक देम। बट ये तो चलो एक ऊपर से मैं, मतलब जस्ट पीपीटी पढ़ा कल सबका, पढ़ने के बाद मैं आपको एक अपडेट दे रहा हूँ, सो दैट यू नो के अभी सिचुएशन क्या हो रहा है अभी मार्केट में। ठीक है, तो केबल एंड वायर स्पेस अभी थोड़ा थोड़ा अनअट्रैक्टिव लगने लग गया है कंपेयर टू व्हाट इट वाज ईयर एंड हाफ बैक। तो ये हो गई पहला वाला पॉइंट। दूसरा, अगर आप देखोगे से अगर मैं बात करूं पीडीलाइट की, ठीक है, तो पीडीलाइट सबको पता है एडेसिव की कंपनी है, एडेसिव कंस्ट्रक्शन केमिकल बनाती है। उनका दोनों सेगमेंट है, पहला जो सेगमेंट है वो कंज्यूमर एंड बाजार, और दूसरा है आपका इंडस्ट्रियल सेगमेंट। लेकिन पीडीलाइट का भी अगर आप देखोगे ना, पीडीलाइट का कोई सेल्स का ग्रोथ का कोई मोमेंटम है नहीं। ठीक है, इस बार भी अगर कंसोलिडेटेड सेल्स का बात करें तो 4-4.5% के आसपास का ग्रो किया। इनका वॉल्यूम्स का ओवरऑल वॉल्यूम्स कुछ 10% के आसपास आया, लेकिन द कंसोलिडेटेड सेल्स नंबर इज व्हाट आई एम कंसर्न्ड विद ना, क्योंकि अगर आपका टॉप लाइन सिंगल डिजिट से ग्रो कर रहा है, मतलब और अगर वो स्टॉक 60-80 पी में, पता नहीं पीडीलाइट कौन से पी में पड़ा है स्टॉक, तो ज्यादा पैसा कैसे बनाएगा, है ना। मतलब अगर आप 100 पी में कोई स्टॉक को ले रहे हो और वो कंपनी लेट से वॉल्यूम ग्रोथ 10% और कंसोलिडेटेड सेल्स 4%, तो कहां जाएगा वो स्टॉक, है ना। लेकिन ऑफकोर्स ये पीडीलाइट जैसी कंपनी है, डिविडेंड अच्छा देती रहती है और बहुत ही स्टेबल सेट मैनेजमेंट है, तो ये स्टॉक उतना नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ऊपर भी जाने का चांसेस कम है। ओके, अगला कंपनी में हम चलते हैं, वो है कि क्यूपिड लिमिटेड। ये तो कॉन्डम बनाने वाली कंपनी है, मेल एंड फीमेल कॉन्डम। क्यूपिड का एक बात इंपॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा कि क्यूपिड का रिसेंटली हलवासिया करके जो ग्रुप आया और वो क्यूपिड का नया मैनेजमेंट बना, सो बेसिकली देयर हैज बीन अ मैनेजमेंट टेक ओवर, इसलिए आप देखोगे क्यूपिड का स्टॉक इतना भागा है। बिकॉज जब ये हलवासिया ग्रुप आया, तब से आके वो क्यूपिड, बिकॉज क्यूपिड एक बुरा कंपनी था, ठीक है, उसमें उतना सेल्स ग्रोथ नहीं होता था, कोई कैपेक्स नहीं होता था, और ये मेजोरिटी अपना जो 95% ऑफ सेल्स वो एक्सपोर्ट से आता था, वो तंजानिया, यूनाइटेड नेशंस को देता था कॉन्डम्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, ये B2B का एक कॉन्डम प्ले है, B2C का नहीं। लेकिन ये हलवासिया जो ग्रुप आया, इन्होंने आके क्या बोला कि एक्चुअली जब से ये स्टॉक भागने लग गया, क्यों भागा, उसका रीजन यही है कि लाइक उन्होंने आके ये बोला कि हम जो पैसा ला रहे हैं अभी क्यूपिड में,
उससे वो अपना कैपेसिटी को 3 गुना करने वाला है। दूसरे साइड में ये B2B के साथ साथ B2C में भी वेंचर करेंगे, साउथ अफ्रीका, तांजानिया, ब्राजील, इवन इंडिया में भी, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट का एक 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 इंपॉर्टेंट बात था, लास्ट कॉन कॉल का बात कर रहे हो Q2 का, तो उन्होंने यही बताया था कि कॉन्डम वगैरह चीजों में ना आप देखोगे यहाँ पे लोग बहुत ही प्राइस सेंसिटिव होते हैं, सो इट्स बेटर दैट यू हैव हायर मार्जिन्स इन B2B देन इन B2C, इसलिए वो B2C इंडिया में उतना बुलिश नहीं है, ठीक है। तो इस एंगल से आप देखो, और एक बात जो है, जो लाइक अब चलो स्टॉक तो इतना बढ़ गया है, बहुत कुछ हो रहा है, मैनेजमेंट ने बोला ये करेंगे वो करेंगे, बिकॉज मैनेजमेंट ने क्या बोला कि जब ये केपेक्स का पूरा काम हो जाएगा उसके बाद सेल्स विल ग्रो एट 15-20%, ठीक है। आज तो सेल्स ग्रो ही नहीं करता, आप अगर पिछले 2-3 क्वार्टर का देखोगे सेल्स आर जस्ट फॉलिंग, बिकॉज Q2 ओवर Q2 8% का सेल्स का फॉल था, और आज अगर अब मैं Q3 का बात करूं सेल्स अगेन फेल 4% ओवर Q3 ऑफ FY23। सो इसका क्या मतलब कि कंपनी का परफॉर्मेंस नहीं है आज भी, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ उम्मीद पे चल रहा है कि चलो ये नया ग्रुप आ गया है अभी सब कुछ ठीक कर देगा। तो अगर ये एग्जीक्यूशन आगे जाके ठीक नहीं हुआ ना, ये क्यूपिड का स्टॉक बड़ा थप्पड़ खाने वाला है, ठीक है। बट अगेन हैविंग सेड दैट, मेरा काम नहीं है कि लाइक कोई करेगा कि नहीं करेगा, वो तो ट्रैक करके देखना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट क्या करते हैं ना, मार्केट हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होता है। अगर कोई नया ग्रुप आया है तो उस और वो केपेक्स का बात किया है ROE, तो इवन उन्होंने ये भी बताया कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी अराउंड 20% फॉर अस, ठीक है, 15-20% से टॉप लाइन हम ग्रो करेंगे जब से हम केपेक्स बढ़ा देंगे, मतलब जब से केपेक्स 3x हो जाएगा। मार्केट इस उम्मीद पे ही स्टॉक को 5-7 गुना कर दिया, लेकिन द पॉइंट इज दिस, करियर आगे जाके अगर एग्जीक्यूट नहीं कर पाया तो ये लेवल मेंटेन नहीं कर पाएगा, इस बॉटम आई ट्राइंग टू से। बट देन अगेन हमें तो कंपनी को ट्रैक करनी है एंड देखना है कि किस तरफ जा रहे, तो यही है क्यूपिड का। अभी तो कुछ बोलने का है नहीं, बिकॉज सिर्फ 4% का ग्रोथ है, देखते हैं मैनेजमेंट अभी, क्योंकि अभी तो नया मैनेजमेंट कॉन कॉल में आने लग गया, और पुराना जो क्यूपिड का जो प्रोमोटर था वो अभी भी रहता है कॉल में, लेकिन अभी वो बोर्ड में रहेगा, बट मतलब एक्सटेंसिव मैनेजमेंट कंट्रोल, CEO, CFO सब बदल रहा है कंपनी में। तो ये रहा क्यूपिड का। अब हम थोड़ा बात करते हैं टाटा एलेक्सी का। सो टाटा एलेक्सी ऑफकोर्स आप सबको पता ही है, राइट, टाटा एलेक्सी एक प्ले है इन इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग, ठीक है, और आपका देखोगे कि इनका मेजोरिटी 3 सेगमेंट आता है। एक होता है इनका मेडिकल डिवीजन में है, इनका 37% ऑफ सेल्स, फिर आई थिंक इनका 2 और डिवीजन है, एक है ट्रांसपोर्टेशन विच इज 40-45%। मतलब सोचो ना, अगर आपको एक गाड़ी के अंदर, मैं बता रहा हूँ टाटा एलेक्सी करता क्या है, ठीक है, सॉफ्टवेयर का काम भी करता है, फिर से फॉर एग्जाम्पल सिस्टम्स इंटीग्रेशन का भी काम करता है। मतलब आज जो नया जो गाड़ी बन रहा है उसका जो रेट से जो, मतलब आज सोचो एक प्लेन का जो कॉकपिट होता है, ठीक है, तो आज आप देखोगे कोई एक गाड़ी का भी जैसे कॉकपिट टाइप का, मतलब जो, मतलब आज सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई एक, मतलब एक मीटर लगा दिया और उसमें सिर्फ आप स्पीड देख सकते हो और कितना फ्यूल है, सबको वहां पे इंफोटेनमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन मिला के, ठीक है। मतलब आप गाड़ी चला रहे हो या मूवी देख रहे हो समझ में नहीं आना चाहिए, बट वैसी बात नहीं है। बट देन ऑफकोर्स ड्राइवर के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, राइट, जब देखोगे प्रीकॉल जैसे कंपनी जो ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी बहुत काम करते हैं, एलेक्सी भी इस सेगमेंट में बहुत फेमस है, ठीक है। सो ये ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन आई थिंक कंट्रीब्यूट्स टू 45-50% के आसपास ऑफ देयर टोटल सेल्स, लेकिन टाटा एलेक्सी का भी वही है, टाटा एलेक्सी का पेस ऑफ ग्रोथ हैज बीन कमिंग डाउन, ठीक है। और अगर आप Q3 का नंबर देखोगे, आई थिंक इट हैज बीन ओनली अराउंड 11% के आसपास ऑन अ YOY बेसिस, ठीक है। सो ज्यादा कुछ बोलने लायक है नहीं। इनका जो मेडिकल डिवीजन है, मेडिकल डिवीजन का हार्डली कोई ग्रोथ हुआ है, बिकॉज अगर आपका 40% ऑफ योर चंक of your entire chunk doesn't grow, then it becomes very difficult to grow at a high pace. I remember Tata Elxsi ka stock tab bhagta tha jab iska pace of growth, matlab sales hi grow karta tha 40-45% on a YOY basis pe. Lekin abhi sales ka growth kya hua? Ghat ke sales ka growth ho raha hai. Dekho, aapko samajhna padega ki growth ek alag baat hai, pace of growth ek alag baat hai. Aur yahan pe the pace of growth has been coming down for Tata Elxsi. Aur wo 11-12% ke aaspaas hai. Isliye kya hoga? Stock mein koi momentum nahi hai. और जिस पी रेशियो में आज आप देखोगे टाटा एलेक्सी टाइप का कंपनी है उसमें 10-12%, मतलब वो पीडीलाइट वाला ही बात हो गया, ठीक है। मतलब आप 4-6% का टोटल सेल्स ग्रोथ दिखाओगे और आपका स्टॉक लेट से आज 100 PE 80 PE में है, तो आप कहां से इतना पैसा बनाओगे, राइट, पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, एक और कंपनी कर लेते हैं इस वीडियो को एंड करने से पहले, वो है कि सोना कॉमस्टार। सोना कॉमस्टार भी टाटा एलेक्सी और पीडीलाइट की तरह सिचुएशन है व्हेन इट कम्स टू द स्टॉक। मुझे ये कंपनी, देखो ये तीनों कंपनी बहुत ही अच्छी है, लेकिन मुझे स्टॉक तीनों की अच्छी नहीं लगती है। तो सोना कॉमस्टार क्या करती है, गाड़ियों में तो आप देखोगे डिफरेंशियल गियर लगता है। डिफरेंशियल गियर का मतलब क्या है, जब एक गाड़ी चल रहा है जो वो लेफ्ट लिया या राइट लिया, ठीक है,
जब एक गाड़ी राइट लेता है तो पीछे का जो राइट वाला चक्का है वो कम घूमता है और पीछे का जो लेफ्ट वाला चक्का है वो ज्यादा घूमता है ना, बिकॉज जब एक गाड़ी राइट में ले रहा है सो पीछे वाला का लेफ्ट वाला पहिया हैज टू मूव एट अ फास्टर पेस ना देन द पीछे वाला राइट वाला, तभी तो गाड़ी ढंग से घूमेगा। दोनों इक्वल स्पीड से घूमेगा तो गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ये डिफरेंशियल गियर बनाता है और दूसरा है कि स्टार्टर मोटर बनाता है, यही इनका जो मेन दो प्रोडक्ट्स है। अब अगर आप देखोगे इनका एक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का अच्छा सारा पोर्टफोलियो है, मतलब ये जो डिफरेंशियल गियर बनाता है और जो स्टार्टर मोटर बनाता है ये सप्लाई करते हैं ईवी कंपनीज को अक्रॉस द वर्ल्ड, वेदर इंडिया हो जाए, यूरोप हो जाए, यूएस हो जाए। तो इंडिया, यूरोप और यूएस मिलके ही इनका टोटल पूरा मार्केट बनता है अराउंड 90%, बाकी कुछ मिडिल ईस्ट इधर उधर से आता है। तो सोना कॉमस्टर का बात हो रहा है यहाँ पे। तो अगर हम सोना का यहाँ पे बात करें तो देखोगे कि लाइक इनका टोटल सेल्स ग्रोथ इज अराउंड 13% अगेन, और जिस पी में ये स्टॉक पड़ा है एंड यू गिव आउट 10-13%। और सोना का तो ऑफकोर्स इस क्वार्टर का तो अभी कॉन कॉल मैंने सुना नहीं है, बट लास्ट कॉन कॉल में भी राइट मैनेजमेंट कोई गाइडेंस नहीं देता है कि हम किस रेट से ग्रो करेंगे एंड ऑल दैट। ये स्टॉक बहुत ही ऑब्नॉक्सियस एक हाई पी में आया था 2020 या 2021 में, आई गेस इनका आईपीओ आया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है इनका, आप देखिए इनका जो टोटल सेल्स का जो बुक है राइट, उसमें से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का पार्ट है ठीक है और एक नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल का पार्ट है। नाउ दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल का पार्ट इज 30% ऑफ द बुक, मतलब ईवी कंपनीज को ये डिफरेंशियल गियर देते हैं, नॉन ईवी कंपनीज को भी डिफरेंशियल गियर ही देते हैं। गॉट इट? टॉप टू एंगल से देखिए प्रोडक्ट वही है, डिफरेंशियल गियर स्टार्टर मोटर, लेकिन ईवी कंपनीज 30% ऑफ द सेल्स एंड 70% है नॉन ईवी। द गुड थिंग अबाउट सोना इसके लाइक ये जो परसेंटेज था 30, दैट केम डाउन टू अराउंड 25-26 जब से ये यूरोप में रशिया यूक्रेन का जब वॉर लगा था। तो क्या हुआ था, इनका जो ईवी वाला सेगमेंट वो भी घट रहा था ठीक है। और दिस कंपनी टेक्स प्राइड इन द फैक्ट के लाइक आज अगर आप देखोगे इनका ऑर्डर बुक 80% ऑफ द ऑर्डर बुक इज ईवी ठीक है। तो आज सोना इज अ वेरी गुड प्रॉक्सी प्ले फॉर ग्लोबल ईवीज ठीक है, ये बात तो एकदम सही है। बट हैविंग सेड दैट टुडे स्टिल उनका 30% ही है, तो 25% हो गया था जब यूरोप में वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो गया था, गैस प्राइसेस बढ़ गया था, तो वहां पे ईवी कंपनीज अपना गाड़ी बनाना बंद कर दिया था या फिर उसका गाड़ी बनाना कम कर दिया था। इस प्रॉब्ली हाउ वेल आई कैन एक्सप्लेन दिस। तो जब वो कर दिया था तो अगर ईवी गाड़ी नहीं बन रहे तो तुम किसका लिए डिफरेंशियल गियर बनाओगे, तुमको तो ऑर्डर पहले आना चाहिए करेक्ट। तो अच्छी बात यह है कंपनी के को अभी ये यूरोप का जब से ये जियोपॉलिटिकल क्राइसिस धीरे धीरे करके मतलब घटते जा रहा है तब इनका अपना ऑर्डर बुक भी बढ़ रहा है ठीक है एट अ फास्टर पेस। तो ये जो ईवी का उनका जो बुक है दैट ग्रू आई थिंक 28% ठीक है एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बुक ग्रू एट अ मच स्मॉलर रेट सो दैट द ओवरऑल बुक ग्रू ओनली 13%। तो यही बनता है। तो चलिए आज हमने तो बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, जैसे अभी केबल एंड वायर स्पेस में एक थोड़ा अगर मैं रिपीट कर दूं, केबल एंड वायर स्पेस में मुझे उतना अभी प्रोस्पेक्ट स्कोप अच्छा नहीं लग रहा है ठीक है, बिकॉज अगर आप देखोगे सारे स्टॉक्स का पी एक्सपेंशन हो भी चुका था करेक्ट, लेकिन अभी अगर हाई पी में लो पेस ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ में आप एक स्टॉक में ढुकते मतलब अंदर आते हो तो उसमें ज्यादा पैसा नहीं बनता है। बट देन अगेन मुझे सबका कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट इंडिविजुअली पढ़ के डोंट वरी, आई कवर ऑल दिस कंपनीज एट एन इंडिविजुअल लेवल फॉर यू ठीक है। सो आपको और क्लैरिटी मिलेगा क्योंकि बिना कॉन कॉल पढ़े सिर्फ पीपीटी पढ़ के भी, बिकॉज मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ना आपको एक बिग पिक्चर दे रहा हूँ और हर दिन देता रहूंगा। जब ये अर्निंग सीजन खत्म होगा फिर मैं एक एक करके वीडियो बना के दूंगा क्योंकि उस टाइम पे मैंने कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट या लाइव कॉन कॉल में मैं सुन चुका होगा ठीक है। तो ये बनता है बात। तो केबल एंड वायर तो हो गया वो वाला पॉइंट, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे पीडीलाइट सोना और हमारा तीसरा कौन सा था पीडीलाइट सोना और टाटा एलेक्सी ठीक है, तीनों बहुत ही बढ़िया बिजनेस है लेकिन इनका जो सेल्स ग्रोथ का पेस है ठीक है वो अच्छा नहीं लगता है मुझे ठीक है, मतलब सिंगल डिजिट या जस्ट डबल डिजिट, क्योंकि हमारे देश का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इज 12-13%। इफ यू आर बाइंग अ बिजनेस दैट इज ग्रोइंग एट अ पेस विच इज से हाफ द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ऑफ द नेशन ठीक है, मतलब 6-8% एंड यू आर पेइंग एन ऑब्नॉक्शियस पी फॉर दैट ठीक है। मतलब अगर आप सोचो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को 10% ग्रोथ के लिए पैसा दे रहे हो द पी हैज टू बी इन सिंगल डिजिट है ना, और धीरे धीरे अगर उसमें अर्निंग्स मोमेंटम आता है तो उसका पी एक्सपेंशन होता है जो ही केबल एंड वायर स्टॉक्स में हुआ था पिछले 1-1.5-2 साल में, क्योंकि ईपीएस का तो ग्रोथ आई ही था और उसके साथ साथ पी एक्सपेंशन भी हुआ था। लेकिन अभी क्या होगा, अभी पी एक्सपेंशन का भी जगह नहीं है और ईपीएस ग्रो नहीं कर रहे, तो आप अगर स्टॉक में पैसा बनाओगे और अगर दोनों जगह में रुक गए तो आप कैसे पैसे बनाओगे है ना।
बट देन अगेन रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिए। मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ ना, मेरे दिल में जो होता है, मैं जो पढ़ता हूँ, सारे इनसाइट्स देता हूँ अपने आप को। आप देखोगे मेजोरिटी लोग आज आते हैं सिर्फ रिजल्ट्स बोल के छोड़ देते हैं, रोबोट की तरह। मैं रोबोट की तरह बात नहीं करता, है ना। आप देख रहे हो कि मैं हिस्ट्री का डेटा पॉइंट्स लेके आता हूँ, मैनेजमेंट पिछले मैनेजमेंट कॉन कॉल का ट्रांसक्रिप्ट लेके आता हूँ, और जितना हो सकता है मैं आपको इनसाइट्स देता हूँ, बिकॉज ये इनसाइट ही क्रिटिकल है टू बिल्ड वेल्थ और नॉलेज बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यही बनता है बात। और पांच, चार से पांच फिनेंशियल्स हैं जो मैं अगला वीडियो में कवर करने वाला हूँ, और वो वीडियो मैं आगे से एक घंटे में ही मतलब छोड़ दूंगा, मतलब आई स्टार्ट दैट एज सून एज आई फिनिश दिस। आपका कोई सवाल हुआ आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।